नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीवन है ओ में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पल्स के बीमारी के बारे में। पल्स की बीमारी कैसे होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, पल्स की बीमारी मतलब हमें हमारे दोस्तों से, मेहमान से दूर रखने वाली बीमारी। हमें किसी के ना बैठने देते हैं, ना उठने देते हैं, ना सोने देते हैं। ये पल्स की बीमारी बहुत गंदी होती, बहुत गंदी होते हैं। ताकि ये हमारे दोस्तों में भी बैठने देती, ना ही हमारे घर वालों में बैठने देती है, ना ही कहीं बैठने देती, ना ही उठने देती, ना ही सोने देती। ये तो सही बात है, लेकिन ये बीमारी क्यों होती है इस पर आप ध्यान नहीं देते। आप जो रोज की जिंदगी जीते हैं उसमें कुछ बदलाव आ जाता है तो ये पल्स की बीमारी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा धूम्रपान करते हो, शराब पीते हो, फिर आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो फिर ये पल्स की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पल्स की बीमारी क्यों होती है? तो पल्स की बीमारी होती है हमारे पेट के अंदर होने वाले बदलाव से। हमारे पेट में अगर हम कैसे भी खाना खाएंगे, किसी भी टाइम पर खाना खाएंगे और ज़्यादा वज़नदार खाना खाएंगे तो वो हमें हजम नहीं होता। जो खाना हमें हजम नहीं होता वो हमारे पेट में जो निचला पेट है वही पे रहता है, उसे हजम नहीं कर पाते हम। वो बदहजमी हो जाती है हमें। बदहजमी की वजह से जो हमारे पेट में अंदर जो खाना पचता नहीं, जो ज़्यादा वजनदार होता है उसे मलाव धारण करने में बहुत टाइम लगता है और वो इतना ज़्यादा वजनदार होता है कि वो बाहर नहीं जाता। उसके कारण हमारी जो आतड़िया है, मोटी आतड़िया, वो जाम हो जाती है। जैसे कि कई नाला वगैरह चौकअप हो जाए या रास्ता जाम हो जाए, वैसे भी हमारे मोटी आतड़िया जाम हो जाती है। अगर मोटी आतड़िया जाम हो जाती है तो हमें बदहजमी की तकलीफ होने लगती है, हमें गले पे दिल नहीं लगता, हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, हम कुछ खा नहीं पाते और दोस्तों ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ उससे होती है। उससे ये एक बीमारी पल्स की भी होती है। हमारे शरीर में बड़े मोटे आतड़े में जो बदहजमी का हुआ जो मलावधारण होता है वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलना चाहिए। ये हमारे शरीर के बनने वाले मांसपेशियों की क्रिया होती है। तो दोस्तों, हमारे बड़ा आतड़े वो कहीं से फूटने लगते हैं, उन्हें कहीं से चीरा लगता है, खून बहने लगता है। अगर वो कहीं से खून बहने लगे तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है और फिर वो बाकी का मल साधारण बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उस टाइम हमारा बड़ा आतड़े में बहुत सारी मोटी जख्म हो जाती है, वो खून बहता है, उसमें गांठ आने लगती है या कई कई बार हमारे ज़्यादा खून बहता है, उसमें इतना दर्द होता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते, हम ठीक से चल नहीं पाते, बार बार वहाँ से खून बाहर पड़ता है। तो दोस्तों, इसको ही हम कहते हैं कि पल्स की बीमारी। और मोटे आतड़े में कई कई सूजन भी आ जाती है, बहुत दर्द होने लगता है उसमें। दोस्तों, आप ये ध्यान रहिए कि आपका पेट अगर साफ हो जाए तो आपको पल्स की बीमारी कभी भी नहीं होगी। उसके लिए हम ये उपाय बताते हैं कि आप सुबह सुबह जल्दी उठकर अगर गुनगुना पानी पियेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर गुनगुना नहीं पिए तो ठीक है, सादा ठंडा पानी पीजिए, उससे आपका पेट साफ हो जाएगा, आपको पल्स की बीमारी कभी नहीं होगी। पल्स यानी मूलव्याध, ये बातें आप ध्यान में रखिए। ये बीमारी कभी अच्छी नहीं होती। और दूसरा उपाय यह है कि आप अगर बदहजमी के ज़्यादा शिकार हो जाए तो सुबह सुबह गाय के दूध से बना हुआ घी आधा कप आपको रोज़ पीना होगा।
उसके कारण हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो ठीक तरह से पचन हो जाता है, ठीक तरह से हजम हो जाता है और हमें हमारा पेट साफ रहता है। उसके कारण हमें कोई बीमारियां नहीं आ सकती, जैसे एसिडिटी, कफ वगैरह, ऐसी जो बीमारी होती है हमारे पेट के कारण, वो बीमारी हमें नहीं होगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये पल्स की बीमारी क्या और दूसरी कोई भी बीमारी आपको ना हो, इसलिए आप आपका पेट साफ रहे। दोस्तों ये पल्स से बीमारी से आप छुटकारा पाइए। अगर पल्स की बीमारी आपको हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप उसके लिए करेंगे सफ़ेद तिल, आपको रोज 20-25 ग्राम तिल आपको रोज खाना ही होगा। अगर आप वो तिल खाएंगे तो आपका जो पल्स की बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और दूसरा एक उपाय ऐसा है कि दोस्तों आप जो जवस जो बोलते हैं जवस वो खाते रहिए, उससे हमारे पेट की जो बीमारियाँ रहती है वो साफ हो जाती है। ये दो उपाय भी आप कर सकते हैं, पानी का उपाय भी आप कर सकते हैं पेट साफ रखने के लिए। लेकिन आपको अगर ये तकलीफ हो जाए तो ये दो उपाय आप ज़रूर कीजिए, आपको उससे ज़रूर राहत मिलेगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे।